दिल्ली नेहरू मेमोरियल नाम बदली ने पीएम म्यूजियम कर देवाता विरोध शुरू थो। कांग्रेस सांसद शशि थरूरे कहू नेहरू मेमोरियल ए मूल जगह से ज्यां रहता था छेल्ला 50 वर्ष नाम हतु परंतु भाजप द्वारा अचानक नाम बदली नाख्य। तो जवाहरलाल नेहरू सत्तावार निवास स्थान की अंदर आ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी नाम बदली ने हम वडाप्रधान म्यूजियम और सोसायटी राखवामां आव्यु। सोसायटी की एक विशेष बैठक में निर्णय लेवायो जेनी अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करी हती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी देश ना पहला वडाप्रधान जवाहरलाल नेहरू निवास स्थान छे। पश्चिम बंगाल में हाल पंचायत चूंटणी पड़घम बांधी चुक्या है। बधा पक्षों एडी चोटी जोर लगावी रह्या छे साथे केटलाक स्थळोए हिंसा थती पण जोवा मळी। आ समय पोलीसे चेकिंग दरमियान दक्षिण 24 परगनामांथी बॉम्ब बनावानी सामग्री जप्त करी। वधु तपास चाली रही छे। आ बॉम्ब बनावानी सामग्री कोनी हती अने कोणे मूकी छे तेनी तपास थई रही छे। तेनो उपयोग राजकीय अस्थिरता लावा माटेनो हतो के बीजो कोई हेतु हतो ते अंगे पण तपास। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई थनारी पंचायत की चूंटणी पहला हिंसा की घटनाओं बनी रही है। पश्चिम बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोजे दक्षिण 24 परगना जिला हिंसा असरग्रस्त भांगार की मुलाकात ली थी। राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त विस्तार की मुलाकात अर्धो कलाक पहला पुलिस देशी बॉम्ब भरेली 7 बेगो झड़पी थी। घटनास्थल की तपास और मुलाकात करी ते समय जिला के राज्य में कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित न था। राज्यपाल बोज सौ प्रथम भांगर ब्लॉक 2 खंड विकास कार्यालय पहुंचा था। तो चूंटणी पहला पश्चिम बंगाल में राजकारण गरमायु छे। उम्मेदवारी पत्र भरवानी छेली तारीख सुधी पश्चिम बंगाल चूंटणी में कुल 2,31,000 उम्मेदवारोए उम्मेदवारी पत्रों भरिया जेमांथी 82,000 उम्मेदवारी पत्रों सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं भरिया। अन्य पक्षों 1-2 लाख उम्मेदवारी पत्रों भरिया। आ समय पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी आरोप मूक्यो छे कि भाजप में मोटा भागे चोर और गुंडाओं ज उम्मेदवारी पत्रों भरिया। मणिपुर में हिंसा थंभवानु नाम नहीं ले रही। मणिपुर में हिंसा कर रहा केटलाक लोकोए केंद्रीय मंत्री रंजन सिंहना घर ने आग लगावी। जो कि आ समय मंत्री रंजन सिंह घर में हाजर न था। महत्वनु छे कि इम्फाल में कर्फ्यू होवा छता भीड़ मंत्री घरे पहुंची थी। मंत्री निवास स्थान पर तैनात सुरक्षाकर्मी भीड़ करता वधारे हता छता पण तेओ हिंसा रोकवामां निष्फळ रह्या। छेल्ला घणा समय थी मणिपुर में हिंसा जोवा मळी रही छे। महत्वनु छे कि 1 महीना पहला पण मंत्री घरे हिंसा थई हती। दिल्ली सीएम केजरीवाल मणिपुर हिंसा पर चिंता व्यक्त करी छे। इम्फाल में केंद्रीय मंत्री आरके राजन ना घर ने सड़गावा पर सीएम केजरीवाल कह्यु के मणिपुर की स्थिति थी आखो देश चिंतित छे। मणिपुर में शांति स्थापवा माटे हजु वधु काम करवानी जरूर छे। मणिपुर में हिंसा की ताजेतरनी घटना में केंद्रीय मंत्री घर पर टोळाए हुमलो कर्यो हतो अने आंख चमकी गई। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तरण कर महत्व है कि जीतन राम मांझी पुत्र संतोष सुमन राजीनामू आप बाद बिहार राजण में गरमाव आयो। सोनबरार 3 वक्त धारासभ्य रत्नेश सदा ने जदयू कोटा में मंत्री बनावाया था। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गत दिवसों में अचानक फोन कर पटना बोलाव्या था साथ पटना नहीं छोड़वानी सूचना अपी थी। संजय राउत ने धमकी आपवाना आरोप में मुंबई पुलिस 5 लोगों की धरपकड़ करी। पुलिस ने आशंका है कि राउत की सुरक्षा वधारवा अने वधारा मयूर शिंदे नाम ना एनसीपी ना कार्यकर्ताए षड्यंत्र रच्यु हतु। मयूर शिंदे सामे घना गुनाहित इतिहास ते धरावे छे अने तेनो संबंध संजय राउत ना भाई सुनील राउत साथे होवानुं कहेवायुं। महत्वनुं छे कि महाराष्ट्र में भाजप एकनाथ शिंदे सरकार सत्ता में आव्या बाद संजय राउत की सुरक्षा में घटाड़ो करायो। राजस्थान की विधानसभा चूंटणी पहला अशोक गहलोत सरकारे महिलाओं ने लोभावा माटे खास योजना बनावी जे हेठळ महिलाओं पोतानी पसंदगीनो मोबाइल खरीदी शकशे अने सरकार महिलाओं ने स्मार्टफोन बदले एक नक्की रकम आपशे। सरकार ऑगस्ट में रक्षाबंधन निमित्ते आ योजना शुरू करवा जई रही छे। मुख्यप्रधान अशोक गहलोते कह्युं के सरकार एक ज प्रकार मोबाइल आपी शके परंतु बजार में घणा प्रकार मोबाइलों से तेथी अमे लोकोने विकल्प आपीशुं के महिलाओं पोतानी पसंदनो फोन खरीदे अने एक नक्की रकम सरकार आपशे। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार रांची सिविल कोर्ट में हाजर थया था परंतु तेओ थवाना हता परंतु थया न हता। सुनावणी दरमियान राहुल गांधी वकीले कोर्ट पास 15 दिवस समय मांग्यो।
जेने कोर्टे मंजूरी आपता हवे आ मामले 15 दिवस बाद फरी सुनावणी हाथ धराई। कोंग्रेसना पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी अटक संबंधित केस में 23 मार्च 2023 रोज सूरतनी सीजेएम कोर्टे दोषी ठेरव्या। कर्नाटकनी कांग्रेस सरकारे धर्मांतरण विरोधी कायदाने रद्द करवानो निर्णय लीधो। महत्वनुं छे के अगाउनी भाजप सरकारना घणा लोकप्रिय निर्णयोना पाछा खेंचवानो हालनी कांग्रेस सरकारे निर्णय कर्यो छे। साथे ज शाळाना अभ्यासक्रममांथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार अने प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी विनायक दामोदर सावरकर साथे संबंधित पाठ हटावानो पण निर्णय लेवायो छे। कर्नाटकना कलबुर्गी में रेत माफियाओं सामनो करवा जता एक पुलिस कर्मचारी शहीद थया। आ मामले कर्नाटकना गृहमंत्री जी परमेश्वरे जणाव्यु के अमे पगला लीधा छे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना छे। एक पुलिस कर्मचारीनी ड्यूटी पर मौत थयुं। आ मामलो अमे एक आरोपीनी धरपकड़ करी छे अने वधुनी शोधखोळ चालू छे। एमआईएन केन्द्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरीए जम्मू काश्मीर मुलाकात दरमियान राहुल गांधी पर चाक्का मार्या। તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી અમેરિકાની મુલાકાતમાં ભારતની લઘુમતી કુમની પરિસ્થિતિ બાબતે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ 13 વર્ષના હતા ત્યારે 1983માં આસામમાં 2000 લોકોની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી। તેઓ જ્યારે 14 વર્ષના હતા ત્યારે સિખો પર હુમલા થયા। અન્ય એક કોંગ્રેસી નેતા આતિશી ઇંગ્લેન્ડ જઈને એવું કહી રહ્યા છે કે દેશમાં 35 કરોડ લોકો કુપોષણનો ભોગ બન્યા છે। बिहार सीएम नीतीश कुमारे महागठबंधन साथे संबंध तोड़वा मामले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाना वडा जीतनराम मांझी पर प्रहार करता कह्यू के तेओ कांतो जेडीयू में भरी जाए अथवा तो अहींथी निकली जाए। जीतनराम मांझीना पुत्र संतोष सुमने ताजेतरमां नीतीश कैबिनेटमांथी राजीनामुं आप्युं हतुं। साथे ज मांझीनी पार्टी बिहारना महागठबंधनमांथी छूटी पड़ी हती। नीतीश कुमारे जीतनराम मांझी पर निशान ताक्युं, कह्युं के ते बीजेपीना लोकोने मरता हता, हवे सारुं थयुं के अमाराथी तेओ अलग थई गया। દેશની રાજધાનીમાં અધિકારીઓની ટ્રાન્સફર પોસ્ટિંગ અંગે કેન્દ્ર સરકારે વટહુકમ બહાર પાડ્યા બાદ દિલ્હીમાં રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ થોડા દિવસોથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે મોદી સરકાર વિરુદ્ધ વિપક્ષી એકતાઓનું અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે। ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ શુક્રવારે પુનર્નિર્માણ કાર્યના સ્થળ નિરીક્ષણ માટે કેદારનાથ ધામની મુલાકાત લીધી હતી। बाबा केदारनाथना दर्शन करवा जता यात्रिको माटे रहेणाक सुविधाओ पर 148 करोड़ रूपियानो खर्च करवामां आवशे। आ उपरांत बेस केम्पमां पण हेलीपोर्ट तीर्थयात्रानो अने हक धारकोना निवास बनावामां आवशे। एक दायका पहला केदारनाथमां आवता प्रलय बाद केदारपुरीने पुनर्निर्माणना कार्योथी सुशोभित करवामां आव्या छे। दुर्घटना बाद प्रथम तबक्कामां रूपिया 225 करोड़ना कामो थया हता। जम्मू काश्मीर में सुरक्षा दलों ने मोटी सफलता मिली। सुरक्षा दलों ने पुलिस से कुपवाड़ा में संयुक्त ऑपरेशन दरमियान 5 विदेशी आतंकियों ठार करिया। समग्र विस्तार ने घेरी लीधो हतो। सर्च ऑपरेशन हजू पण यथावत छे। काश्मीर पुलिस ना एडीजीपीए कह्यू के सुरक्षा दलों ने अहीं आतंकी छुपाया होवानी इनपुट मळ्या हता, त्यारबाद ऑपरेशन हाथ धरायु। जुमगन विस्तार में 5 विदेशी आतंकियों ठार कराया छे। અયોધ્યામાં દીપોત્સવ સમારોહમાં 21 લાખ માટીના દીવડાને પ્રગટાવવાના લક્ષ્ય સાથે અત્યાર સુધીનું સૌથી ભવ્ય આયોજન હશે। આ વર્ષનો દીપોત્સવ રામલલાના રામ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન થયાના પહેલા મનાવાશે। યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે દીપોત્સવ એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કરશે। ગયા વર્ષે 15.76 લાખ દીવડાઓને અયોધ્યામાં પ્રજ્વલિત કરાયા હતા। રાજ્ય સરકારના એક પ્રવક્તા અનુસાર આ વર્ષે 21 લાખ દીવા પ્રગટાવાશે। ભોપાલની સતપુડામાં લાગેલી આગમાં ભોપાલની 13,000થી વધુ સરકારી ફાઇલો બળીને ખાખ થઈ હતી। ચૂંટણી પહેલા લાગેલી આગે સરકાર અને રાજ્યના સીએમ શિવરાજસિંહ ચૌહાણને ભીંસમાં લીધા, જેના કારણે રાજ્યનું રાજકારણ ગરમાયું છે। બીજી તરફ રાજ્ય માનવ અધિકાર પંચે પણ આ ઘટના બાદ ભોપાલના કલેક્ટર આશીષસિંહ, કમિશનર માલસિંહ ભાડિયા, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને નોટિસ મોકલી। નોટિસમાં પંચે આગની ઘટના પર 3 સપ્તાહમાં જવાબ માંગ્યો છે। પંચે સવાલ ઉઠાવ્યો કે કોર્પોરેશનની ફાયર બ્રિગેડમાં 80% ફાયરમેન હોવા છતાં આગને કાબૂ લેવા માટે 10 કલાક કેમ લાગ્યા।